Hey designers and my friends, welcome back to my channel Design की बात। So आज हम start करेंगे एक logo बनाना, logo design in Figma। तो अभी हम first ये tutorial करेंगे logo design in Figma। तो ये मेरा channel है guys, subscribe कर दीजिएगा। अगर आपको information अच्छी लग रही है मेरी तो please subscribe कर दीजिएगा। So अभी हम start करते हैं बिना time waste किए हुए हमारे tutorial पे, जहाँ पे हम सिखाएंगे आपको कि लोगो कैसे डिज़ाइन करते हैं फिग्मा में। जस्ट बेसिक सा लोगो है। सो अभी बिगनर लेवल पे स्टार्ट किया है, तो बिगनर लेवल के यही है कि कैसे एक सिंपल सा लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं नॉर्मली। सो लोगो डिज़ाइन इन फिग्मा, तो अभी हम नॉर्मली एक लेटर से इस डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। नॉर्मली एक हम कैनवस ले लेते हैं, कैनवस में हम कैनवस का नाम रख लेते हैं लोगो डिज़ाइन। ये हमने ये नाम रख लिया। देन अब एक लेटर हम चूज़ कर लेते हैं, कोई भी लेटर हो सकता है जो आपको सही लग रहा हो। मैं डी ले लेता हूँ और इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मैं आपके इसको 700 कर देता हूँ, तो भी इंक्रीज ये हुआ नहीं। हाँ, सेलेक्ट किया, फिर ये 700 ना, अभी इंक्रीज हो गया। अब ये और थोड़ा और बड़ा हो सकता है, सो इसको मैं 1000 कर दे रहा हूँ, तो भी 1000 कर दिया है ना। सो गाइज, आपको एक लेटर से मैं ये डिज़ाइन करना बताऊंगा कि हम कैसे एक लेटर से बढ़िया सा लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। ये डी लेटर है ना, मैंने डी ले रखा है, आप कुछ भी लेटर ले सकते हैं, है ना। सो अभी मैं इसमें स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एक इफ़ेक्ट लगाता हूँ मैं ड्रॉप शैडो का। सो यहाँ पे ड्रॉप शैडो का इफ़ेक्ट क्रिएट कर दिया मैंने, है ना। और अभी ये थोड़ा सा हमें अकॉर्डिंग टू कैनवस छोटा लग रहा है, तो हम या तो अपने कैनवस को थोड़ा सा छोटा कर लें, है ना। कैनवस को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हाँ ये ठीक लग रहा है। अभी हम अपने लेटर को सेंटर में कर लेंगे और अब हम डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डी लेटर में कुछ करेंगे जिससे ये लोगो जैसा लगे। अभी सिर्फ ये डी लेटर ही लग रहा है ना। तो फर्स्ट हम इसमें यूज़ करेंगे रेक्टेंगल को हम यहाँ पे सेंटर में रखेंगे एंड हम थोड़ा सा इसमें और कुछ भी ऐड करेंगे, जस्ट लाइक इसमें हम ऐड करेंगे सब्सट्रैक्शन वाला ऑप्शन, है ना। अभी ये इस तरह का दिख रहा है सब्सट्रैक्शन होने के बाद। सो अभी हम यहाँ पे एक पेन टूल का यूज़ करेंगे, पेन टूल का यूज़ करके हम इसको दोबारा से क्रिएट करेंगे जो हमने हिस्सा सब्सट्रैक्ट किया था, मतलब जो हिस्सा हमने यहाँ से काटा था, अभी हम उसको वापस से लेके आ रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं फिर से, है ना। सो ये लोगो डिज़ाइन करना हम बता रहे हैं, तो इसमें हम कुछ चीज़ें मैन्युअली भी कर रहे हैं, जैसे कि ये है ना। तो इसमें हम इसको थोड़ा सा और क्रिएटिव सा बनाएंगे जिससे थोड़ा क्रिएटिव लगे, है ना। तो हाँ, तो ये हमारा थोड़ा सा क्रिएटिव सा लग रहा है। अभी इसमें हम स्ट्रोक्स डल रखे हैं, इसको हम फिल कर लेंगे। फिल में हम यही ब्लैक कलर डाल देंगे। ब्लैक कलर के बाद यहाँ से जो हमने स्ट्रोक ले रखा था फर्स्ट में, जिसकी वजह से हमने इसको बनाया था, सो भी हम उसको रिमूव कर देते हैं।
सो अभी यहाँ पे थोड़ा सा अनइवन सा लग रहा है ना। अभी हम जो हमारा लेटर है जिसको हमने बनाया था, अभी हम उसको फ्लैट कर देते हैं। फ्लैटन करने से क्या होता है, फ्लैटन करने से हमारा जैसे इलस्ट्रेटर और भी जो टूल्स होते हैं उनमें फ्लैटन करने के बाद कन्वर्ट टू कर्व हो जाता है ना, कर्व्स में क्रिएट हो जाती हैं सारी लाइनें, है ना। ये अभी ये टेक्स्ट की तरह एडिट नहीं होगा, अभी कन्वर्ट हो चुका है ना। तो अब इसको करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और इसको थोड़ा सा हम इसमें कर्व ऐड करते हैं, है ना, क्योंकि अभी ये अलग सा दिख रहा था, अभी यहाँ पे हमने कर्व ऐड कर दिया, तो अभी ये थोड़ा इससे मैच खाता हुआ लगेगा, है ना। तो अभी हम इस चीज़ को ऐसे ही रहने देते हैं और इसमें हम इसको करते हैं रेट। सो ये थोड़ा सा अलग दिखेगा इससे, वरना ये इसी में मर्ज हो रहा था। तो सिंपल डी लेटर से हमने एक लोगो डिज़ाइन किया है ना। अभी हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे नेमिंग भी कर देंगे। सो हमारा जो भी इस चीज़ का नाम है, तो हम एक क्रिएटिव डिज़ाइन कर रहे हैं लोगों के लिए, तो हम यहाँ पे क्रिएटिव डाल देते हैं, है ना। अभी बहुत बड़ा आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, थोड़ा सा क्या, इसको हम 400 पे कर लेते हैं, सेलेक्ट करेंगे, है ना। इसको हम फिर 400 पिक्सल्स में कर लेंगे। पिक्सल्स होता है या फिर पॉइंट होता है, आप दोनों चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो हमने 400 पे कर दिया, अभी भी ये बहुत बड़ा लग रहा है, तो इसको हम 100 करते हैं। 100 में ठीक है, बट इसको और थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, इसको हम कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हमें करके ही देखनी पड़ेगी, बिना करे हम समझ नहीं सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें करें। ये आपकी टोटल आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, है ना। सो अभी हम इसको और थोड़ा सा इसमें थोड़ा इसमें स्पेसिंग ऐड करेंगे, अभी स्पेसिंग इसकी कम लग रही है, सो हम इधर से स्पेसिंग ऐड कर लेते हैं। इसको बेसिकली हम इन डिज़ाइन टर्म में कर्निंग बोलते हैं। कर्निंग पे भी एक मैं वीडियो लाऊंगा, अगर आप लोग बोलोगे कि कर्निंग पे एक वीडियो लेके आए जिसमें हम फॉन्ट्स टाइपोग्राफी में कर्निंग सिखाएंगे, कि हम कर्निंग करके उस टाइपोग्राफी में कैसे अच्छा इफेक्ट ला सकते हैं, है ना, टाइपोग्राफी को कैसे और इन्हेंस कर सकते हैं कर्निंग के थ्रू। तो चलिए अभी इस वाली वीडियो पर आते हैं। तो ये हमने एक सिंपल सा लोगो क्रिएट किया है ना। अब इसमें एक टैगलाइन भी होनी चाहिए, टैगलाइन भी क्रिएट कर लेते हैं। टैगलाइन के लिए हम नॉर्मली रेगुलर यूज़ करेंगे फॉन्ट, और इसको थोड़ा और छोटा कर लेंगे। ये 150 था, तो उसको मैं कर लेता हूँ 75, जस्ट हाफ कर लेते हैं, है ना। तो इसी तरह से, मतलब ये चीज़ जो डिज़ाइन होती है इसी तरह से होती कि इसको H1 को फुल रखा और इसको हाफ कर दिया, है ना। तो अभी हम इसमें टैगलाइन में कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे बी ह्यूमरस, कुछ भी डाल सकते हैं हम, है ना। ये मैंने ऐसे ही जस्ट यूं ही डाल दिया है ना। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, तो आप का कंपनी का जो ब्रांड का टैगलाइन हो वो आप डालिएगा, है ना, अपने अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे मैंने ऐसे ही डाल दिया है ना। मैं इसको कर देता हूँ सेंटर, इसके सेंटर में कर दिया। तो ये जस्ट हमने लेटर से और मतलब बहुत ही कम टाइम में हमने एक बढ़िया सा लोगो डिज़ाइन कर लिया। सो ये लोगो जो है वो वर्केबल है ना। ये आप अपने चैनल पे भी लगा सकते हो, अगर आप YouTube करते होगे तो अपने चैनल पे भी इसको यूज़ कर सकते हो, और अगर आप नॉर्मली किसी ब्रांड के लिए भी यूज़ करना चाहते हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। सो एक ऑप्शन तो ये हो गया। अब जो सेकंड ऑप्शन है, इसमें हम थोड़ा सा इसमें अभी डी लेटर में हमने बहुत ही
मतलब बेसिक सी चीज़ ऐड की है, थोड़ा क्रिएटिविटी ऐड की है और सिंपल एक एक एलिमेंट लेके काम किया है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसका एक और ऑप्शन बनाएंगे जिसमें हम एक कैरेक्टर ऐड करेंगे। कैरेक्टर हमारा कुछ भी हो सकता है ना, कोई मैथोलॉजी कैरेक्टर होता है, मैथोलॉजिकल कैरेक्टर हो सकता है, और जैसे कुछ भी हो सकता है। सो अभी हम एक ये डी लेटर से ही कुछ क्रिएट करते हैं, है ना। सो मैं एक फिर से लेटर लेता हूँ, ये डी है ना, इसको कर देता हूँ 1000 जैसे पहले था। ये सेलेक्ट नहीं हुआ है, फिर सेलेक्ट करते हैं इसको फिर से, है ना। कभी कभी सेलेक्ट होता नहीं है तो उसका आपको ये चीज़ पर ध्यान में रखनी होगी, सेलेक्ट करने के बाद ही इसमें चीज़ें करें, है ना। तो अभी ये फिर से ये डिलीटर हो गया है ना, डिलीटर को फिर से और थोड़ा सा हम इधर रख लेते हैं, है ना। तो अभी हम इसमें और क्या करेंगे, इसमें हम कोई कैरेक्टर ऐड करेंगे। कैरेक्टर हमने, चलो मान लेते हैं हमने एक डेविल कैरेक्टर ऐड किया है ना। तो डेविल के क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, एक मतलब विजुअली कैसा दिखता है वो, तो उसके पास हॉर्न्स होते हैं, उसके पास टेल होती है ना। मे बी हम इसमें कुछ और एक दो एलिमेंट कुछ और यूज़ कर सकते हैं, मे बी आगे उस चीज़ को देखेंगे हम, है ना। तो अभी हम इसमें क्रिएट करेंगे एक हॉर्न, हॉर्न होता है इनकी सींग होती है ना। तो या तो हम अपने ये पेन टूल से क्रिएट कर लें, है ना, या हम अपने एक्लिप्स या फिर सर्कल से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दोनों तरह से चीज़ें हो सकती हैं, आप मैन्युअली जिस तरह से करना चाहें कर सकते हैं, है ना। मैं यहाँ पे पेन टूल का यूज़ कर रहा हूँ, सो ये थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा मेरे लिए, है ना। ये मैंने पेन टूल का यूज़ करके एक हॉर्न क्रिएट कर लिया इसको। अभी ये इसका स्ट्रोक है, तो स्ट्रोक हमें नहीं चाहिए, हमें फुल इसका फिल करना है, इसमें कलर चाहिए होगा और कलर हमें रेड ही चाहिए, है ना, क्योंकि थोड़ा ये रेड से डिनोट करेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। डेविल है तो रेड होना चाहिए। तो अभी इसको सेम हम कॉपी करेंगे, है ना, और सेम इसको इस तरफ भी प्लेस कर देंगे। तो यहाँ देखने वाली चीज़ ये कि एक थोड़ा एप्रोप्रिएट लगना चाहिए, मतलब ऐसा ना लगना चाहिए कि बिल्कुल ये अलग सा जा रहा है ना। तो इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, है ना, या आप मैन्युअली सेट करना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये हमने इसमें एक डेविल का कैरेक्टर ऐड किया, हॉर्न ऐड किए। तो अभी ये इसको हम ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं, तो अटैच नहीं लग रहा था अभी, इसकी वजह से अभी अटैच लगने लगा ये, है ना। तो अभी हम इसमें और एक चीज़ ऐड करेंगे, और क्या ऐड करेंगे, इसमें एक टेल ऐड करेंगे हम डेविल की, है ना। तो डेविल की टेल ऐड करने के लिए हम फिर से पेन टूल का यूज़ करेंगे, है ना। बिल्कुल मैन्युअली सिखा रहा हूँ मैं आपको, है ना, और बहुत ही बेसिक सा सिखा रहा हूँ, है ना, जो कोई भी आराम से डिज़ाइन कर सकता है, है ना। जो आई थिंक ये पहली बार भी यूज़ कर रहा होगा ये सॉफ्टवेयर, वो भी यूज़ कर लेगा, है ना। बट इन डिटेल अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा, मैं इन डिटेल वाला ट्यूटोरियल भी लेके आऊँगा। बट पहले आप ये वाले ट्यूटोरियल्स को लाइक करना होगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है, मैं बहुत मेहनत से बनाता हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ तो उसके साथ ही ये चीज़ें भी कर रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, है ना। बाकी मेरी अच्छी खासी जॉब है ना, MNC में जॉब करता हूँ, बट ये चाहता हूँ कि आपको कुछ सिखाऊँ, सो इसलिए YouTube स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। तो अभी ये हमारा डेविल का ये जो टेल है ये डिज़ाइन हो गई है। ये थोड़ी सी हमें इसकी टेल जो है ये थोड़ी सी हमें
डिस्टॉर्टेड सी लग रही है। एक्चुअली हमें बनाना ही डिस्टॉर्टेड था, बट एस्थेटिकली देखने में ये अच्छी लगेगी तो ही मैं इसे रखूँगा, वरना फिर मैं इसको दूसरी तरह से डिज़ाइन करूँगा, है ना। अभी ये थोड़ा सा और इधर रख लेता हूँ, है ना। तो अभी एस्थेटिकली इतनी मज़ा नहीं दे रही है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। हम अब यूज़ करेंगे एक बढ़िया सा एक्लिप्स। एक्लिप्स में हम इसको ऐसे रख लेते हैं और इसका आर्क यूज़ करते हैं, है ना। आर्क से हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा और, आई थिंक ये विड्थ ठीक है। अभी हम इसको रोटेट कर लेते हैं और इसको रख देते हैं यहाँ पे सेंटर में, सेंटर से नीचे मतलब। सो अभी हम इसका कलर कर लेते हैं रेड। रेड कलर करने के बाद अभी ये थोड़ा सा हमें स्मूथ सा लग रहा है ना, तो अभी इसको हम ब्रिंग टू बैक कर लेते हैं। ब्रिंग टू बैक में जाके ये और अच्छा सा लगने लगा, है ना। सो एक हमने ये डिज़ाइन किया था, अभी हम ये डिज़ाइन कर रहे हैं। अभी ये प्रॉपर डिज़ाइन नहीं है, अभी हम इसमें और भी चीज़ें करेंगे, जैसे कि अभी इसका टेल थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ना, एकदम यहाँ पे जाके फिनिश हो गया। तो इसमें हम ऐड करेंगे पेन टूल से ही ऐड करेंगे, एक एरो ऐड करेंगे, है ना। अगर आपने डेविल को देखा होगा या डेविल का कैरेक्टरिस्टिक देखा होगा, तो उसमें कुछ ऐसा उसके जो टेल होता है उसमें कुछ ऐसा ही होता है ना। तो उसी चीज को हम क्रिएट कर रहे हैं, ये एक्चुअली बनता ही स्ट्रोक से है, तो फर्स्ट उसमें वो ये स्ट्रोक ही लेता है। तो हम इसको कलर कर लेते हैं एज इट इज जैसा था नाउ। अब ये थोड़ा सा डेविल वाला इफेक्ट दे रहा है और अच्छा भी लग रहा है ये, है ना। तो हम लोगों में इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर हम इसी ब्रीफ से डिज़ाइन कर रहे हैं, है ना। क्योंकि अभी हमने जो डिज़ाइन करने का सोचा था उसमें क्या चीज़ थी, उसमें एक चीज़ था, यहाँ पे मैं आपको लिख कर भी बता देता हूँ, है ना। अभी इसको कर देता हूँ मैं स्मॉल, कितना कर देता हूँ 100 कर देता हूँ, इसको 100 कर देते हैं, ये है 100, है ना। तो अभी हमें ये करना था इसमें डी लेटर प्लस डेविल, है ना। तो ये चीजें हमें इसमें रखनी थी, है ना। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक लोगो डिजाइन करना था, तो अभी हम वही चीज कर रहे हैं, है ना। तो हमने ये डिज़ाइन कर लिया है, अभी हम इसमें क्या और एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। अभी ये अच्छा लग रहा है, मुझे तो अभी ये अच्छा लग रहा है, बट हम इसमें कुछ और भी ऐड करेंगे, है ना, इसको थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए, है ना। अब इसको थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे एक, इसमें हम ऐड करेंगे एक इसमें एक स्कल ऐड किया जाए, है ना। तो ये रहा हमारा स्कल, स्कल को हम बाहरी रख लेते हैं और ना कि पूरे कैनवस को लेके, कैनवस की बजाय हम सिर्फ स्कल को ही लेते हैं और स्कल को हम अपने, मैं चाहता हूँ कि ये जो डी का बीच में खाली फेस है उसमें ये हमारा स्कल आ जाए। तो गाइज आपको कैसा लग रहा है ये, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ना।
कि मैं बहुत मेहनत से इस चीज़ को बना रहा हूँ, है ना, तो अभी इस चीज़ को इधर रख लिया जाए और इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। ग्रेट, नाउ गुड। तो ये हमारा डेविल का जो है डिज़ाइन तैयार हो गया। अभी ये ऑप्शन है हमारे पास, और हमारे पास एक और ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन। सो मुझे तो ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे कि इतने एलिमेंट नहीं रखेंगे, हम स्कल को इसमें नहीं ऐड करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे कंपनी का नाम या फिर जो भी जिसके लिए हमने क्रिएट किया है। तो अभी हम यहाँ पे ये रख लेते हैं, है ना, और इसको हम नेम ही कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा और इधर रखना पड़ेगा, है ना, तो इसको हम नेम ही कर देते हैं। डेविल से रिलेटेड है तो हम इसमें कुछ डेविल से ही रिलेटेड कर देते हैं, डेविल कॉर्प, डेविल कॉर्प्स। अभी ये फॉन्ट इस पर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस फॉन्ट को हम चेंज करेंगे। इस फॉन्ट को थोड़ा सा हमें हॉरर फॉन्ट टाइप का रखना है, थोड़ा सा इस फॉन्ट को रखते हैं हम एमिली कैंडी, हालांकि हॉरर फॉन्ट नहीं है बट इस लोगो पे बहुत अच्छा जाएगा, है ना, तो हम इस लोगो में इसको ऐड कर लेते हैं, और इसका साइज थोड़ा सा और छोटा कर देंगे, ये 150 है तो इसको 100 कर लेते हैं। तो अभी हमारा ये जो डी लेटर है वो फ्लैटेंड नहीं है, तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा इसका कर्व आ रहा था, है ना, सो ये फ्लैटेंड नहीं था। अभी ये फ्लैटेंड हो गया है, तो अभी हम इसको थोड़ा और छोटा कर लेंगे, इसको कर लेंगे 120। ये सो ये दो जो हमारे डिज़ाइन हैं वो ये रहे, है ना, एक ये है और एक ये। तो दो ऑप्शन हमने डिज़ाइन किए हैं डी लेटर से। तो ये फिग्मा में हमने लोगो डिज़ाइन किया है, है ना, विथ लेटर, है ना, इसमें कोई भी लेटर हम ले सकते थे बट हमने डी लिया अभी, है ना। इन फ्यूचर अगर आप बोलोगे कि इसमें और भी लेटर्स हमें डिज़ाइन करना बताइए, तो हम और भी लेटर्स डिज़ाइन करेंगे, है ना, लेटर से जो है कोई लोगो डिज़ाइन करेंगे। तो अगर गाइज आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, है ना, और लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर कुछ आपको लगता है, कोई सजेशन लगता है कि आप मुझे देना चाह रहे हो या मैंने मिस किया है कुछ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे बताइएगा, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी ये हमारा डिज़ाइन हो गया है, है ना, अभी हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि हमने इसमें डिज़ाइन तो कर लिया है ना, अभी हम इसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, है ना। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सीधे इसको सेलेक्ट करना है सबको, है ना। अगर इंडिविजुअली हमें ये सिर्फ इतना ही पार्ट करना है तो हम इसको फिर यहाँ से सेलेक्ट करके इसको हम बाहर ले आते हैं। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें इसको टोटल सबको पकड़ने के बाद यहाँ पे हम इसको कर देते हैं फ्रेम सिलेक्शन। फ्रेम सिलेक्शन करते ही ये टोटल जो है एक फ्रेम में के अंदर आ जाएगा। इसमें हम इसको नेमिंग कर देते हैं डेविल कॉर्प्स लोगो, हमने इसे नेमिंग कर दी। अब जो हमने ये वाला डेविल कॉर्प्स वाला है ना, सो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़, इसके अंदर सारी चीज़ें आ गई हैं।
तो अब यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन होगा। एक्सपोर्ट के ऑप्शन में हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये पीएनजी में एक्सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि हमारा कैसे आ रहा है कितना। तो और एक मेन चीज़ जो है यहाँ पे एक बोनस टिप है आप लोगों के लिए। बोनस टिप ये कि यहाँ पे अगर हम जितना भी ये बढ़ाते जाएंगे, ये इसका जो है ये जो इसका रेजोल्यूशन है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसे हमने 1x किया तो एग्जैक्टली जितना साइज़ का हमने कैनवास किया उतना ही हो जाएगा। है ना, 2x कर देंगे तो जस्ट डबल हो जाएगा, ये कर देंगे तो 1.5 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही ऐसे बढ़ता रहेगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि इसमें हम हाई रेजोल्यूशन लोगों नहीं एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। आपको बस कुछ सेटिंग्स का ध्यान रखना होगा, उसके उससे आप कर सकते हैं इस चीज़ को। सो अभी हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया है, है ना। तो गाइस इस तरह हमने सीखा कि एक लेटर से हम कैसे लोगों को डिज़ाइन कर सकते हैं, एक लेटर में क्या क्या एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें एक कैरेक्टर ऐड कर दिया डेबल का, है ना। ऐसे आप कुछ भी कर सकते हैं, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप जितना अपने क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करेंगे, जैसे आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी लगाएंगे, उस हिसाब से ही डिज़ाइन होगा, है ना। बट अभी ये बहुत ही सिंपल हमने किया है और बहुत ही फास्टली किया है, है ना। तो ऐसे आप भी सोच के फास्टली कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, है ना। काफ़ी कुछ सीख लिया हमने। सो नेक्स्ट अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, बहुत मेहनत लग रही है बनाने में, है ना गाइस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो में किसी मिलते हैं हम लोग, और ये जो ऐसा हमारा ट्यूटोरियल्स है वो फिर और भी अपलोड करेंगे, आप लोग को और भी चीज़ें सिखाएंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय, टाटा, अपना ध्यान रखिएगा सब लोग।